पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर अल हक काकर के साथ एक बड़ी बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान की आर्मी हाई अलर्ट पर है। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन ब्रिटिश जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों के नाम गूगल नहीं करते होंगे कि ये काकर साहब हुई सी? कि शायद ईरान की जानिब से एक और एयर स्ट्राइक की जाए। क्या पूरी दुनिया में हो क्या रहा है? दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है और हम यहाँ पे शिया सुन्नी की जंग लड़ रहे हैं। इससे मिलना चाहिए या इस वेस्टेज ऑफ टाइम और या इस आइदर इट विल ब्रिंग समथिंग टू माय स्टैचर और माय पोर्टफोलियो और इट विल ब्रिंग मी डाउन। ईरान डरता ही नहीं हमसे। नहीं, बेसिकली हम सब चोर हैं। इंडिया के साथ एक स्टेप आगे जाकर दो स्टेप पीछे आ जाते हैं हर चीज में। आपका पावर अब क्या ही क्या चीज है? हम यार इंडिया चाहे हमसे इंडिया को क्या लेना देना। वहां से भी ईरान के साथ आपने देख लिया, ये हालात है जब आपकी नेवल एक्सरसाइज हो रही है उसी वक्त मिसाइल भी एक दूसरे पे चल रहे हैं। इंडिया हमारा है, हमने 500 साल हुकूमत की थी। फकत ईरान और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी और जो हमारे काकड़ साहब जो स्कीइंग करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे उनकी भी मुलाकात हुई थी वहाँ ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से। हम जब हम कर्ज मांगने जाते हैं ना उसके बगैर हमें कर्ज नहीं मिलता है। उन्होंने पूछा सी और सुनाओ चॉकलेट शॉकलेट ले लीजिए। उन्होंने कह दिया बड़ी बड़ी नेस्ले दी बड़ी अच्छी चॉकलेटन तुसी भी ले लेना। ये बात उनकी भी हुई थी वहां पे और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका रूलिंग पार्टी का हुआ है। ये वीडियो दावोस का है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अनवर अल हक काकर दावोस में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन यहां पर काकर के साथ एक बड़ी बेइज्जती हो गई। हुआ ये कि जैसे ही वो हॉल में जा रहे थे वहां पर मौजूद अधिकारियों ने उनसे उनका आईडी कार्ड मांग लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां खड़े दूसरे व्यक्ति ने ये कहा कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। आमतौर पर इस तरह की घटनाएं किसी बड़े नेता के साथ होते हुए दिखाई तो नहीं देती, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ ही अक्सर दिखाई देता है। आमतौर पर किसी बड़े नेता के साथ इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ हर जगह कुछ ऐसा हो जाता है। उसके बाद क्या था? उसके बाद जब वो अंदर गए फिर वो बाहर आते हैं, फिर मीडिया उनसे पूछती है क्या पाकिस्तान ईरान के हमलों का जवाब देगा। इस पर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुपचाप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते। मैंने आपको बताया था F-11 में इनके पड़ोसी को नहीं पता काकड़ साहब कौन है, और आपको पता है जो इनको आपको पता होना चाहिए चीमा साहब आप इस्लाम में बैठे हैं कि ये क्वेटा से इस्लामाबाद पहुंचे कैसे? आपको पता होना चाहिए कि कैसे पहुंचे, इनको कौन लेकर आया था, सेनेटर किसने बनवाया था, व्हाट इज हिज पोजीशनिंग। मैं एक बड़ा छोटा सा बंदा हूं जो मैं कहता हूं कड़े में से इनका नाम निकला है। कोई 9-10 सेनेटर 2-10 लोगों को क्वेटा से लाके इस्लामाबाद में प्लांट किया गया था, उसके मुझे थे पिछली रिजीम के अंदर जो लेकर आए थे, उनके ये दोस्त अजीज थे सारे। आपके सेनेट के चेयरमैन साहब को लाया गया था जिसके बारे में अगले दिन आपके जरदारी साहब ने कहा था कि वो आपका बंदा तो चला गया, अब आपको कौन ऑपरेट करेगा। उन्होंने कहा और भी कही है भाई, उसी तरह का लोग इन जो वही लेकर इनको भी आए थे काकड़ साहब को। तो जब बंदे का स्टैचर ये हो आप ख्याल करते। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, मैं ना चीज आपके सामने बैठा हूं, मैं जिससे मीटिंग करता हूं बिजनेस में 2 दिन पहले उस बंदे का नाम गूगल करता हूं। आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन ब्रिटिश जितने जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोगों के नाम गूगल नहीं करते होंगे कि ये काकड़ साहब हुई सी? इससे मिलना चाहिए या इस वेस्टेज ऑफ टाइम और या इस आइदर इट विल ब्रिंग समथिंग टू माय स्टैचर और माय पोर्टफोलियो और इट विल ब्रिंग मी डाउन। फकत ईरान और पाकिस्तान की नेवल एक्सरसाइज भी हो रही थी और जो हमारे काकड़ साहब जो स्कीइंग करने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे उनकी भी मुलाकात हुई थी वहां ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से। उन्होंने पूछा सी और सुनाओ चॉकलेट शॉकलेट ले लीजिए। उन्होंने कह दिया बड़ी बड़ी नेस्ले दी बड़ी अच्छी चॉकलेटन तुसी भी ले लेना। ये बात उनकी भी हुई थी वहां पे और सबसे ज्यादा नुकसान तो आपका रूलिंग पार्टी का हुआ है कि काकड़ साहब की वोकेशन खराब हो गई है और हमारे जिलानी साहब सफारी करने युगांडा गए हुए थे, उन्होंने उस वक्त वहां पे 2 ज़ीब्रे थे वो उनको पकड़ा हुआ था, उन्होंने उनसे बातें कर रहे थे तो आपने पीछे से बुला लिया। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन 2 लोगों का हुआ है। लेकिन इसमें चीमा साहब देखें, अब पाकिस्तान क्या है, वो ईरान क्या है? ईरान रशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं ना 2 मुर्गों की लड़ाई थी, उन्होंने सिर्फ टेस्ट किया। उन्होंने क्या बच्चे, उन्होंने अपने बच्चे जबूरे को कहा यार, क्योंकि ईरान देखें सबसे बड़ी, ईरान को अटैक करना चाहिए था, रोज बढ़ के मारते हैं, या तो सीधा अटैक करें ना इसराइल के ऊपर या फिर मिसाइल को छड़न सीधा अमरीका थे तो फिर स्वाद भी आवे। उधर वो भी डरते हैं उस चीज से, वो उधर नहीं जाते, डरते हैं। हाँ इधर से फिर अमेरिका डरता है
वो हमारा जो डिफेंस मिनिस्टर है उसका तो पता ही नहीं ना कि वो जिंदा है या बेचारा फौत हो चुका है, शहीद हो चुका है, उसका तो पता ही नहीं गया किधर, उसका पता ही नहीं है, नामो निशान ही कोई नहीं था। क्योंकि दोनों कौमों को मैंने आपको बताया था ना कि हालात उनके भी पतले हैं, वो सैंक्शंस पे। अच्छा, फिर उन ईरानियों को इलेक्शन की जरूरत है आगे। साल पहले वो हिजाब की कंपेन चली थी, वो 1979 के बाद सबसे बड़ा एहतजाज वो था। फिर उन्होंने, उनको भी तो फेस सेविंग चाहिए ना अपने लोगों को दिखाने के, वेखो जी साढ़े मसल वेखो, असी इसराइल भी भारत है, असी पाकिस्तान में भी भारत है, असी आईएसएस से बदला अपना उसका भी ले लिया है, वो जो अपना सुलेमानी उसका भी बदला ले लिया। उन्होंने भी तो अपना मौलविया जो वहां पे अपना इब्राहिम रईसी साहब है, उन्होंने भी फेस सेविंग करनी है, उन्होंने फेस सेविंग कर ली है। जो उनका गवर्नमेंट ऑपरेटेड मीडिया है, उन्होंने बड़े 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 मैगजीन छापे होंगे। अब हमारी इतनी इज्जत इन्होंने खत्म खराब कर दिया है कि एयरपोर्ट में जाओ कि आपको पहले प्यार से बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर गिव मी योर पासपोर्ट, जब पासपोर्ट को चेक कर, हां वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, ओह स्टे हियर, इस लहजे से आपसे बात करते, फिर जब आपको एक घंटा खड़े करके जब जहाज जाने कराए आपको बात से नहीं करा, ए इस तरह करके आपको इशारे से कह देते हैं। मतलब क्यों, हमने अपनी जान खुद में, हम जाके बाद में कहते हैं जी हमारा सियासतदान ये नहीं है, हम सब कसूरवार हैं। तो फिर हम इसका मलबा सारा इंडिया पे डाल देते हैं कि जो करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। आपके जाहिद हामिद साहब कोई तर्जुमान है, वो क्लशन को हाथ में पकड़ के कहते हैं जी हमारे पास कोई मुसद्दिक का इत्तला नहीं है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, तू कौन होता है तुम्हें इत्तला देने वाला, आपका पावर अब क्या ही क्या चीज है, हम यार इंडिया चांद, हमसे इंडिया को क्या लेना देना, इंडिया चांद हम, वो उसने कहा ना मोदी ने कि अपने मौत खुद मर जाएंगे, आंखों में आंसू आ गए थे कसम जज्बात से, अल्लाह की कसम मैं ये समझता कि सच हो रहा है ना, मोदी साहब की कही हुई बात भी सच हो रही है, हम अपनी मौत आपस में खुद ही लड़ लड़ के मर रहे हैं, किसी को हमें मारने की जरूरत नहीं, तमाम इस्लामी मुल्क आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में ही मर रहे हैं। अच्छा जी, अब पता क्या है, इन्होंने शुरू में पाकिस्तान बनाते हुए गलती की थी, मुसलमानों को तकसीम कर दिया इन्होंने दो हिस्सों में, हिंदुओं को छोड़ दिया, क्यों, जब हमारे कुछ बुजुर्ग ऐसे कहते कि आप चाहे आप हिंदू आप पाकिस्तान ही मत बनाए, आप जाएं हम जाने हिंदू जाने, इंडिया हमारा है, हमने 500 साल हुकूमत की थी, लेकिन नहीं कुछ सज के मुसलमान को तकसीम किया, हिंदू अपनी जगह पे मजबूत रहा, आज वो हल देख रहे हैं, फिर एक कतर में फिर बांग्लादेश अलहदा हो गया, आज उसका क्या पल मिल रहा है हमें, हम कमजोर, इंडिया चांद पे। अच्छा, G20 में जाके इंडिया उनकी सरबराही कर रहा है, हम जब हम कर्ज मांगने जाते हैं ना उसके बगैर हमें कर्ज नहीं मिलता है, हम तो G5 में भी नहीं है, हम तो अपने मुल्क में ही नहीं है, आप तो G5 की बात कर रहे हैं, सही है, हमें किस चीज़ का, आप में तुम्हें क्या यही ना इंफराज बांधेगा, अपने जेबें भरने की सोच पड़ी, सही है, और इंडिया चांद पे चला गया, इंडिया को अभी फिर ये कहते हैं कि हमें पास कोई मुस्तदीक इतला नहीं है कि इंडिया चांद पे गया है, तू कौन होता है तुम्हें बताने वाला, इंडिया आपके उस पर आपका IT का जितना बजट है तुम्हारा, हमारा पाकिस्तान का इतना बजट नहीं है, सिर्फ IT में जितना बजट उस अपने आप को बना रहे हैं, हम बातों से बन रहे हैं वो कामों से बन रहे हैं। आप ये देखें कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उन सबका रुझान इंडिया की तरफ है, तमाम ममालिक इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, डीलिंग भी कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, अभी पिछले दिनों एक इंडियन एक्ट्रेस थी वो बगैर दुपट्टे बगैर हिजाब के मदीना मुरवरा के अंदर चली गई। अब मैं इसके आपको जवाब देता हूँ, ये हम जो ये मुसलमान या फिरका परस्ती ये जो मजहब को ज्यादा फॉलो हम मुसलमान हम गरीब लोग करते हैं, अमीरों में नहीं है ये चीज, जब अमीर हो जाता है ना बंदा ये नहीं कहता ये शिया है ये सुनी है, या फिर आप इस वही शिया सुनी आप इसमें बैठ के खाते हैं, जब 19 ग्रेड से ऊपर चले जाए ना या कोई सियासतदान हो वही शिया सुनी एक प्लेट में जाके बैठ के खाते हैं, तुम्हारे सामने कहते हैं शिया ऐसे शिया के बाद सुनी के बाद शिया ऐसे शिया वजह के सुनी ऐसा है, हम गरीबों को जो मरवाते हैं हम जज्बाती हो जाते हैं दीन के नाम पर, सही है, वो जज्बाती नहीं होते हैं, दीन को हम हमारे जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, वो फॉलो नहीं करते दीन के, ऐसे ही बस क्या करें जी, अब मैं क्या बताऊँ आप।